लड़ाई केंद्र को फटकार। नमस्कार, शुभ 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन। क्यों लगाई सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार, जानेंगे इस रिपोर्ट में। दिवाली के बाद से खराब हुई दिल्ली की हवा अब भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली की हवा दिन पर दिन जहरीली होती जा रही है। दिल्ली के वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लताड़ा है। जस्टिस एनवी रमना दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने सरकार को फटकारते हुए कहा कि आप देख रहे हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। हम अपने घरों में भी मास्क लगाकर घूम रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में स्कूल के खोले जाने पर भी सवाल उठाया है। कोर्ट ने प्रशासन से तुरंत जरूरी कदम उठाने को कहा। प्रदूषण रोकने के लिए वाहनों को रोकना और दिल्ली में लॉकडाउन लगाने जैसे कदम उठाने को कहा। सरकार ने पराली का बहाना लगाते हुए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिलाया कि वह पराली का जलना रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं। सरकार ने कहा कि पिछले 5-6 दिनों में हमने जो प्रदूषण देखा है वह पंजाब में पराली जलने की वजह से है और बोले कि राज्य सरकारों को अपने काम में तेजी लाने की जरूरत है। पराली खेतों में अब भी जलाई जा रही है। इसके बाद चीफ जस्टिस रमना ने सरकार से पूछा, आप क्यों ऐसा जताना चाहते हैं कि सिर्फ पराली जलाने से ही प्रदूषण हो रहा है, उससे सिर्फ कुछ प्रतिशत ही प्रदूषण फैल रहा है, बाकी का क्या? आप दिल्ली का बाकी प्रदूषण रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? आपको इमरजेंसी प्लान लाना चाहिए। आप बताइए कि क्या इमरजेंसी उपाय करने के लिए आपकी क्या योजना है? क्या 2-3 दिन का लॉकडाउन, AQI कम करने के लिए यह आपका प्लान है? हमें सिर्फ 2-3 दिन का प्लान नहीं बल्कि सही प्लान बताइए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच विवाद हुआ और सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर रहे कि सिर्फ किसान ही इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। हमने ऐसा कभी नहीं कहा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने कहा कि अगर किसानों को इंसेंटिव नहीं मिला तो बदलाव आने की गुंजाइश कम है। किसी चीज पर ऐसे ही अमल नहीं किया जा सकता। इसके बाद तुषार मेहता ने बताया कि हम धूल को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं, इसमें राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है। यह एक मिलीजुली जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार भी सोमवार को इस मामले में एफिडेविट फाइल करे। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए शुभ 24 न्यूज चैनल। नमस्कार।